हिंदू धर्म में भगवान शिव को जहां देवों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तो वहीं उनके गण भी पूजनीय हैं। भक्त जब भी महादेव के दर्शन करने देवालय जाते हैं, तो मंदिर के गर्भगृह के बाहर ही नंदी की मूर्ति विराजित रहती है। ऐसी मान्यता है कि नंदी शिव शंकर के वाहन हैं और उनके परिवार के अभिन्न अंग भी हैं। दर्शन करते समय नंदी से जुड़ी ये जिज्ञासा अवश्य होती होगी कि आखिर उनकी मूर्ति की स्थापना मंदिर के बाहर क्यों? वास्तव में नंदी की मूर्ति समाधिस्थ स्थिति में मंदिर में विराजमान होती है, साथ ही उनकी समाधि खुली आंखों की समाधि है। महाभारत में इस बात का जिक्र किया गया है और नंदी की इस स्थिति को वर्णित करते हुए बताया गया है कि खुली आंखों वाली समाधि से ही आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, साथ ही आत्मज्ञान से ही जीवन मुक्ति प्राप्त करना संभव हो पाता है। ये मूर्ति भक्तों को ज्ञान देती है कि मनुष्य रूपी जीवात्मा की पशु समान प्रवृत्तियां उसे ईश्वर से दूर ले जाती हैं, जबकि उसकी सद प्रवृत्तियां उसे शिव की ओर खींचती हैं। यही कारण है कि गर्भगृह के बाहर स्थापित होते हुए भी नंदी की आंखें प्रभु पर टिकी रहती हैं और निरंतर रूप से अपने आराध्य में ही लीन रहती है। शिवालयों में प्रवेश करने से पूर्व नंदी को प्रणाम करने का विधान है। नंदी के सींग विवेक और वैराग्य के प्रतीक हैं। दाहिने हाथ की तर्जनी और अंगूठे से नंदिनी के सींगों का स्पर्श करते हुए भगवान शिव के दर्शन किए जाते हैं। मान्यता है कि इस प्रकार भक्त में घमंड का नाश होता है, अतः भक्त भी मंदिर में प्रवेश करते समय सभी कुविचारों का त्याग कर ईश्वर के दर्शन करें।